नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे कलाकार हैं, आए दिन सच न्यूज़ नेटवर्क की ये कोशिश रहती है कि जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, कहीं ना कहीं जो पर्दे के पीछे हैं, उन आर्टिस्ट को, उन कलाकारों को जो है वो लाइमलाइट में जो है वो लाया जाए और हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम से जो है रूबरू कराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू का जो कलाकार है कहीं ना कहीं पीछे है और कोशिश हमारी ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जो कलाकार हैं उनको हम सपोर्ट करें कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर को जो है और ज़्यादा जो है वो रोशन कर सके। और आए दिन ऐसे कई सारे कलाकार हैं, कई सारे आर्टिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यदि आज की मैं बात करूँ तो आज हमारे साथ रोशांशु वडेरा जी हैं और जम्मू कश्मीर के एक जाने माने एक्टर हैं, मॉडल हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कराटे जो है वो प्लेयर भी रह चुके हैं, उसमें ब्रॉन्ज जो मेडल जो है वो भी इनको मिल चुका है। और जम्मू के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने किया, अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा डोगरी सॉन्ग मेरा दिल, एक बहुत अच्छा सॉन्ग आया था, वो भी हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बहुत अच्छा उनको प्यार दे रही है और उन्हीं से आज जो है हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। सर, सर मैं पहले जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि बात करें आपकी, अगर हम अब तक के करियर की बात करें तो कई सारी शॉर्ट मूवीज़ आपने की हैं, कई सारे प्रोजेक्ट आपने किए हैं, इसके साथ साथ कराटे प्लेयर भी आप रह चुके हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, तो इतना सब कुछ किया है आपने, फ़िलहाल ये स्टार्ट जो है वो कहाँ से हुआ? स्टार्ट हुआ था आज से 8 साल पहले जी। मैं रेंडमली फोटोग्राफ देख रहा था एंड जब फोटोग्राफ देखी तो ना मेरे सामने फोटोग्राफ आई तो मैंने ऐसे मम्मा से पूछा, मम्मा ये कौन है? तो वो बोलते यार ये तो पापा की फोटो है, तेरे को शर्म नहीं है? तो क्या पूछ रहा है मुझे, पापा को नहीं पहचान रहा? अला नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कौन है। बोलते पापा की फोटोज है। मैंने अला पापा मॉडल थे? बोलते ये तो पापा से पूछना। जब मैंने पापा से पूछा, पापा ड्यूटी से आए, उन्होंने ये चीज़ बताई कि मैंने भी मॉडलिंग की थी एंड आगे प्रस्यू नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट इतनी नहीं होती थी एंड जॉब भी करनी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, तो आगे नहीं कर पाया। तो मैंने ये चीज़ उस टाइम सोची कि यार अगर पापा ने ये चीज़ आगे शुरू की थी, अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए तो वाई नॉट मैं क्यों ना करूँ। तो मैंने उस दिन ये चीज़ ठानी कि वो लेगेसी मैं आगे लेके जाऊँगा एंड उसके बाद मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला मेरी फैमिली की तरफ से। मेरे मदर फादर काफ़ी सपोर्टिव हैं, मतलब वो कभी नहीं बोलते कि यार तू यहाँ मत जा या तू वहाँ मत जा, वो बोलते हैं ट्राई करते रहो, कुछ नहीं पता किस्मत कहाँ चेंज हो जाए। तो ये किस एज से स्टार्ट हुआ, लाइक एक्टिंग एंड मॉडलिंग का जो दौर रहा है, कौन सी एज से स्टार्ट किया आपने? मैं एज तो पर्टिकुलर नहीं बता सकता क्या किस एज से, बट ये है कि जल्दी शुरू हो गया था ये चीज़, 8-9 साल पहले की बात है, ये शुरू हो गया था मेरे दिमाग में आना शुरू हो गया था। फिर मैंने कुछ चीज़ें बड़ी सारी देखी, आर्टिकल्स देखे, न्यूज़ देखी कि कैसे मॉडलिंग होती है, एक्टिंग होती है, सीखा कहीं से नहीं है, लोगों को एक्सपीरियंस कर करके सीखा लाइफ में। Like, लोगों को आपने देखा है और उनसे सीखा है और फिलहाल अभी आप कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे शॉर्ट मूवीज आपने की है, डोर बहुत अच्छी मूवी है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं, लाइक किस प्लेटफॉर्म पे आई थी और क्या क्या आपका रोल रहा उसमें और उसके साथ जुड़ी हुई कोई मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें। एक डोर मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट था जम्मू में एंड काफ़ी मतलब बोलते हैं इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहा है क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिला, सबसे सीखने को मिला एंड हर मतलब एक करेक्टर का ना एक डिफरेंट रोल था उसमें एंड मैं उसमें जो हस्बैंड बना हुआ था एंड एक ब्रदर सिस्टर के बॉन्ड पे ये बताया हुआ उन्होंने, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब एक बोलते ना कि एक नेक्स्ट लेवल हो रहा था उसमें। सो इंटरेस्टिंग था और मज़ा भी काफ़ी आया उस प्रोजेक्ट में मेरे को। ओके, तो इसके साथ साथ मिस्टर इंडिया 2021 भी आपने किया, उसमें रनर अप आप रहे, फिर 2021 में भी आपने जो मिस्टर जैन के था उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया और उसमें भी विनर आप रहे, तो उसके साथ जुड़ी हुई कोई खास जो मेमोरी है जो आप बताना चाहें, जहां आपने लाइक बहुत अच्छा आप काम कर रहे थे फिर आपने उसमें क्यों पार्टिसिपेट करने की सोची, था क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, मेरे को एक्चुअली ये था कि हमारे जैन के में ना प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है, टैलेंट काफ़ी है, मतलब घर घर में टैलेंट है बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बेसिकली एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ का मैं भी शिकार था। तो मैंने रैंडम क्लिक्स देखे कि यहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं मॉडलिंग के, सो मैंने पापा से बात की, पापा बोलते जा तू ट्राई कर। तो मेरा कुछ था नहीं कि मैं जाऊँगा, उनके 10 बजे ऑडिशन से मैं 1 बजे वहाँ पहुँचा था एंड ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुआ, फिर फर्स्ट पहले गया मैं लखनऊ में, मेरा शो था ये, वहाँ मैं मिस्टर जैन के रनर अप था। उसके बाद सेकेंड शो में गया मैंने, फिर उसमें देखा कि मैं क्यों ना
क्यों विन नहीं कर पाया वो शो को, मिस्टर इंडिया को, एंड वो चीज़ बड़ी मेरे को मतलब ट्रोमाटाइज हुई कि मैं क्यों नहीं कर पाया, क्या मेरे में क्या कमियाँ थी, लोगों से सीखा कि जो विनर था उसमें क्या मतलब अच्छाई थी, उसे वो चीज़ पॉजिटिविटी ली। एंड नेक्स्ट टाइम मैं वापस गया था रिसेंटली 22 में, फेब मार्च में गया था, एंड उस शो में मैं सेकंड रनर अप रहा था, मिस्टर इंडिया सेकंड रनर अप, एंड काफ़ी अच्छी जर्नी थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मतलब पूरी इंडिया से जब लोग आते हैं तो अलग अलग इंसान की सोच होती है, तो उनसे सीखने को काफ़ी कुछ मिला मेरे को। बात करें एक लाइक कंपटीशन में आप रनर अप रहे और कहीं ना कहीं इंसान डिमोटिवेट भी होता है, क्योंकि हम जब भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा हमारे माइंड में रहता है कि हमने विनर बनना है, लाइक फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, इस तरीके से रहता है। लेकिन आप काबिले तारीफ है कि फिर दोबारा आपने जो है अपने आप को खड़ा किया, बहुत बड़ी बात है। अच्छा बात करें सर जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें और ऑलमोस्ट सभी एरियाज़ में यही देखा जाता है, जो कहीं ना कहीं यूथ है एक्टिंग में जाता है, मॉडल में जाता है, मॉडलिंग में जाता है, तो फैमिली उनको कहती है कि जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये वाली जॉब कर लो, वैसे कर लो, एक्टिंग मॉडलिंग में करियर अच्छा नहीं है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है ना, इस तरीके के। तो आपको फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ आया जहाँ किस तरीके का सपोर्ट रहा फैमिली की तरफ से? काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रही है, मतलब फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट था मुझे, उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं बोली, ये नहीं कहा कि लाइक जॉब वगैरह नहीं, वो ये बोलते हैं जॉब करो, हर चीज़ को तुम एक मतलब बोलते ना पार्टीशन में लेके चलो, हर चीज़ को हर मतलब घुसाओ मत, मिक्सअप मत करो हर चीज़ को। हाँ एग्जैक्टली, अब मैं स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, स्टडीज़ के साथ मैं ये भी एक्टिंग मॉडलिंग भी परस्यू कर रहा हूँ, उसको मैनेज कर रहा हूँ। इंसान को मैनेज कराना चाहिए, मेरा मोटो एक ही, मैनेज कैसे करोगे आप वो आप पे डिपेंड है। डिफ़िकल्ट तो होता है क्योंकि ये दोनों मतलब तीन चार चीज़ें अलग अलग है, सब अलग अलग फील्ड्स हैं, तो ये कहीं इंटरलिंक्ड नहीं है। ठीक है, कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। हम भी यही कामना करते हैं आप आगे बढ़ते रहें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहें। इसके साथ साथ सर मैं जानना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो फिल्म पॉलिसी आई थी, और कुछ आर्टिस्ट का कहना था कि फिल्म पॉलिसी जम्मू के कलाकारों के लिए एक वरदान है, और कुछ लोगों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं फिल्म पॉलिसी ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि आर्टिस्ट जो है पहले ही थोड़ा बहुत जैसे जी रहे हैं, जैसे अपना जो है अपना घर का गुजारा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो आप एज अ आर्टिस्ट, क्योंकि आपको भी इस प्रोफेशन में 7 से 8 साल हो चुके हैं, तो कैसे आप देखते हैं फिल्म पॉलिसी का कितना बेनिफिट जो है आर्टिस्टों को मिलेगा? मेरे हिसाब से जो फिल्म पॉलिसी है उसका बेनिफिशियल हमें कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज J&K में जितने आर्टिस्ट हैं, जितने एक्टर मॉडल्स हैं, उनको बेनिफिशियल बहुत कम है, मतलब 0.5% आप लगा लो, क्योंकि वो बाहर से प्रोड्यूसर्स आएंगे, डायरेक्टर्स बाहर से आएंगे, मतलब आर्टिस्ट भी बाहर से आएंगे, तो हमारा उसमें क्या फ़ायदा होगा? खाली हम यहाँ उनका ये होगा कि हाँ भाई जम्मू से एक मूवी बनी है, जम्मू में लोकेशन थी, बस और कुछ नहीं है, बट हमें वहाँ कहीं ना कहीं प्रेफरेंस नहीं मिल रही है, तो मे भी हमें बहुत नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ जम्मू के प्रोजेक्ट्स इतने चल रहे हैं अभी, एंड जम्मू के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और जम्मू के आर्टिस्ट हैं कहीं ना कहीं, और उनकी मतलब रोजी रोटी चल रही है, एंड वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, तो हमारा मेन मुद्दा रहता है कि हम आर्टिस्ट का कि दिखना, अगर वो लोग आ गए तो हमारा दिखना तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा उस टाइम पे। ओके, लास्ट सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं लाइक जिनसे हम मिल चुके हैं, बातचीत करते हैं, और एक कॉमन जो चीज़ सामने आती है जब हम उनसे बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं उन सब के बीच में लेग पुलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक आर्टिस्ट जब कहीं ना कहीं कुछ मुकाम पर पहुँच जाता है, कुछ बन जाता है, तो दूसरे जो आर्टिस्ट हैं बहुत ज़्यादा उनसे जेलस करते हैं, उनकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। अगर उस आर्टिस्ट की कोई प्रोजेक्ट रिलीजिंग है, कोई पोस्टर रिलीजिंग है, दूसरे आर्टिस्ट को कह देते हैं कि आपने उस रिलीजिंग फंक्शन पे आपने जाना नहीं, और आते भी नहीं है, क्योंकि उस आर्टिस्ट के जो उसका पोस्टर रिलीज है सिर्फ मीडिया आती हैं, जब उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आते हैं, आर्टिस्ट दिखते ही नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? आपने लेग पुलिंग कितना फेस किया, क्योंकि 7-8 साल का करियर आपका, मैं काफ़ी जब ये चीज़ मुझे कोई भी पूछता है इंटरव्यू में तो मैं काफ़ी हंसता हूँ इस चीज़ पर, बिकॉज आज से जब 8-9 साल पहले मैंने शुरू किया था ना, तो मेरी लेग पुलिंग अभी भी तो होती है, ऐसा नहीं होती, हाँ एग्जैक्टली, बट जब स्टार्टिंग में था ना तब मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी इस फील्ड की बेसिकली, एंड जब नॉलेज नहीं होती ना आपको कहीं ना कहीं आप मार खाते हो हर जगह जाके, तो मैंने सोचा कि जब मुझे इसी फील्ड में घुसना है तो मैं जम्मू के लोगों के पास जाके आर्टिस्ट को जाके काम मांगूँ, नाम नहीं लूँगा, गया था मैं आर्टिस्ट के पास कुछ, बट उन्होंने जब मैं उनके पास गया कि भाई मुझे एक वीडियो में एक कुछ भी रोल दे दो, डिपेंड नहीं करता कि तुम लीड दो, सेकंड लीड दो या फोर्थ लीड दो, कुछ भी रोल दो, उससे क्या होगा मेरा जो बोलते हैं ना मोरल बिल्डअप होगा, एक मेरा मेंटल स्टेबिलिटी बनेगी, मुझे भी होगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ,
एक डिलीवरी अच्छी मिले मेरे को, स्पीच डिलीवरी अच्छी मिलेगी कहीं ना कहीं जाके। बट जब मैं निकल रहा था उसके ऑफिस से, उन्होंने एक चीज़ बोली कि रोशांशु मैं सबसे इतने पैसे चार्ज करता हूँ एंड आपसे मैं 40,000 rupees लूँगा वीडियो बनाने के लिए। मैं वहाँ स्टिल हो गया था okay. और मैंने सोचा था कि यार जम्मू में रह के मुझे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसने एक चीज़ छानी कि रोशांशु तू याद रख ले कि जम्मू में अगर तू रह रहा ना तो तेरे स्पोर्ट में कोई नहीं आएगा इस फील्ड में, इनफैक्ट फैमिली के अलावा तुम्हारे इस स्पोर्ट तुम्हें कोई नहीं देगा इस फील्ड में, क्योंकि यहाँ लेग पुलिंग काफ़ी है। रिसेंटली कुछ टाइम उसी टाइम दौरान के मैं बता रहा हूँ बात, मैं एक शूट पे गया था, वो भी एक मतलब प्रैंक शूट था यूट्यूब के लिए। तो उसने मुझे एक चीज़ बोली, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक उसने बिठाया था, शूट करवाया, प्रॉपर शूट हुआ था okay. टेक्स हुए क्योंकि मैं नया था उस टाइम पे, अभी भी मैं नया हूँ, मैं अभी नहीं बोलता, मैं मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपसे, सीख रहा हूँ मैं कुछ, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। एंड उस टाइम पे मैं भी नया था, नॉलेज कम थी, एक्टिंग स्किल्स नहीं थे इतने, कर रहा था ट्राई। बट उसने इंसान ने एक चीज़ मेरे को जाते टाइम बोला कि रोशांशु मैं देखूंगा कि वीडियो डालूंगा नहीं डालूंगा। और उस दिन मैं घर आके रोया था एंड मैंने अपनी मम्मा को ये चीज़ बोली थी और पापा को बताई थी। वो बोलते देख तुझे पता तू क्या है, हमें पता है तू क्या है, अगले को तू प्रूफ मत कर, ठीक है कोई बात नहीं, इसे तो सीख, इसे तो चीज़ सीखी, तू अकेला है, हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं है जम्मू कश्मीर में, मेरे फादर मतलब हमारी बैक नहीं है कुछ भी इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं लाख खाते हैं। एंड लेग पुलिंग उसके बाद काफ़ी हुई, मेरे मीम्स बने, काफ़ी कुछ हुआ, मैंने यूट्यूब पर वीडियो शूट की थी। आप फनी वीडियोस देखते हैं कि लेग पुलिंग जो हो रहा है, वैसे तो आम कॉमन बात है, क्यों हो रहा है, मेन रीज़न आप कैसे देखते हैं, मेन किया जा रहा है, बिल्कुल मेन रीज़न ये है हमारे GNK में लेग पुलिंग का, कि फॉर एग्जांपल अगर हम दो आर्टिस्ट हैं जी, मैं आगे जा रहा हूँ या आप आगे जा रहे हो, मतलब वो ये नहीं देखेंगे कि यार कितनी मेहनत करके आगे जा रहा है, कितना स्ट्रगल किया उसने आगे, स्ट्रगल नो डाउट स्ट्रगल अच्छी होती है, हम ये नहीं बोलते स्ट्रगल ऐसी होती है वैसी होती है, स्ट्रगल बेस्ट पार्ट होती है, हाँ ये बेस्ट पार्ट होता है टाइम हमारा जो स्ट्रगल का होता है। बट वो ये नहीं देखते, वो बोलते हैं यार आगे बढ़ गया तो कैसे बढ़ा, इसको आगे नहीं बढ़ने देना, इसको खींचो नीचे, मतलब बहुत गलत चीज़ है हमारे GNK में। आप चंडीगढ़ चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, बॉम्बे चल जाओ, इनफैक्ट मतलब मैं ऐसी जगह बता रहा हूँ जहाँ ना आपको लेग पुलिंग बिल्कुल नहीं मिलती है, नो डाउट हर जगह होती है, बट स्टिल वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग साथ जुड़े हैं, एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आर्टिस्ट मॉडल सब साथ जुड़े हैं वो, और कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस हो रही है। मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले जब मैंने स्टार्ट किया था एंड मैंने वीडियोज़ देखी थी आशीष चंचलानी की, तो आशीष चंचलानी के साथ मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी, वो भी एक इंजीनियर है एंड उसके चार दोस्त जुड़ के उन्होंने एक वीडियोज़ शुरू की थी, फ़नी वीडियोज़, और आज भी स्टिल इतने साल हो गए हैं वो साथ में है, मतलब ये चीज़ अच्छी लगती है कि यार तुम भी बढ़ो और तुम सबको बढ़ाओ आगे। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि जो हमारे GNK में ये चीज़ है ना कि लेग पुलिंग होती है, गाइस मत किया करो, क्योंकि इससे क्या होता है एक आर्टिस्ट का ना जो मोरल होता है वो बहुत डाउन हो जाता है और कहीं ना कहीं ना वो गिल्ट में चल जाता है यार मैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो बहुत कुछ सोचता है, क्योंकि मैं भी मतलब फील्ड में और मुझे ये चीज़ फेस हुई है, अभी भी इनफैक्ट होती है। तो लेग पुलिंग मत किया करो, साथ मिलके आगे बढ़ते हैं यार, अपने GNK का नाम रोशन करते हैं और हमें क्या चाहिए। एक और बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं देखी जाती है कलाकारों के बीच में, जब हम उनसे बातचीत करते हैं उनका कहना रहता है कि देखिए प्लेटफॉर्म तो कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया है, तो सबके पास फेसबुक है, स्मार्टफोन है और कहीं भी अपना टैलेंट जो है हम दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए एक आर्टिस्ट को, क्योंकि बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं आर्टिस्टों को सपोर्ट करती है फाइनेंशियल तौर पर भी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा कहीं ना कहीं नहीं देखा जा रहा, और उनका कहना अगर दिया भी जाता है तो अगर हमने इस ईयर अगर हमने कोई इवेंट करा है तो उसकी पेमेंट में 2 साल 3 साल बाद जाके मिलती है, और कुछ लोगों को तो अभी तक भी नहीं मिली है। आप इसको कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट का कितना, आपके 7-8 साल का, आपकी मैं बात करूंगा, 7-8 साल का जो अभी तक का करियर है, कितना गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिल पाया, कितना गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्लेटफॉर्म मिल पाया अभी तक? देखो गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे कुछ नहीं मिल पाया, कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं की उन्होंने इतना कुछ, मैं अगर मैं करके आ रहा हूँ नेशनल लेवल पे, अपने GNK का नाम रोशन कर रहा हूँ, मिस्टर इंडिया का टाइटल जीता है, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी लैक है हम लोगों में, हम आर्टिस्ट में, कि हम साथ मिलकर नहीं चलते हैं, अगर हम कहीं ना कहीं साथ मिलकर चलेंगे तो वाई नॉट गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी है ना डाइवर्जन में है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, मतलब बोलते हैं ना बेड बकरियों की तरह ना घूम रहे आगे पीछे सब, अगर हम साथ झुंड में रहेंगे ना तो मैं एक चीज़ गारंटी दे रहा हूँ, अगर हम सब जुड़ गए ना साथ में तो गवर्नमेंट भी आएगी, पब्लिक भी आएगी, स्पॉन्सर्स भी आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा GNK का जो नाम है ना UT का, वो कहीं ना कहीं जो आज लोग बॉम्बे बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं, चंडीगढ़ बोलते हैं, मैं इनफैक्ट बोलता हूँ, कहीं ना कहीं लोग हमारा नाम लेंगे कि यार वो होती है बात
कि JNK में देखो कितने स्पोर्टिव हैं, कितना उनका गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं हमें लैग मिलता है, गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करते बहुत लैग मिलता है, क्योंकि अपने खर्चे पे हर जगह जाना एंड प्लेटफॉर्म जितने कम है हमारे पास, तो बहुत लैक है इस चीज़ का हमारे JNK में। जी जी सर, बात करेंगे लास्ट में जाते जाते आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, कौन कौन सा सरप्राइज पैकेज जो है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए आपकी तरफ से आ रहा है? सरप्राइज पैकेज तो काफ़ी हैं, अभी मैं बताऊंगा नहीं, कुछ प्रोजेक्ट्स लाइनअप पे हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं एंड कुछ शॉर्ट मूवीज़ हैं लाइनअप पे, तो वो आएंगी तो आपके चैनल से सबसे पहले दिखाया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड रहिए गाइस, घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड जो आजकल की जनरेशन है जम्मू कश्मीर की स्पेसिफाई, वो ड्रग्स अब्यूज़ में काफ़ी जा रही है एंड कहीं ना कहीं हम लोग ना उसके पीछे बहुत लाख खा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं घर वाले भी देखते हैं कि यार बच्चा गलत तरीके से जा रहा है, और हर बच्चे को आजकल जज किया जाता है कि वो गलत भी हो, अगर सही भी होगा ना तो उसको गलत कहीं ना कहीं करार दिया जाता है, नहीं ये क्या पता कहीं गलत जा रहा होगा। तो मैं बोलता हूँ गाइस, इसमें कुछ नहीं रखा, तुम पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, तुम टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, तुम इतना कुछ अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें आउटपुट कुछ नहीं है, उल्टा तुम्हारी हेल्थ खराब होगी इसमें। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है तुम कहीं ना कहीं अपने अपने पे लगाओ, अपनी हेल्थ पे लगाओ, तुम स्पोर्ट्स करो, एग्रीकल्चर, मतलब कहीं भी कुछ भी फील्ड में जाओ, एक्टिंग, मॉडलिंग, एग्रीकल्चर, कहीं भी जाओ यार तुम एक्सेल कर सकते हो, बट ये चाहिए टाइम, टाइम हर चीज़ टाइम का गेम है, क्योंकि आज मैं अगर यहाँ पहुँचाऊँ, मैं भी कुछ नहीं हूँ अभी, इनफैक्ट अगर 8-9 साल से मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने भी कहीं ना कहीं मेहनत की है और मेहनत करने का ही फल मिलता है। तो और जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ तो बहुत सारे जो ये हमारा यूथ है, जो यंग टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होता है, आपको अपना कहीं ना कहीं आइकन मानता है, तो क्या आप मैसेज उनको देना चाहेंगे? और मैं चाहूँगा थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, लाइक इफ़ समवन वांट टू कनेक्ट विद यू, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक आपके जो सोशल हैंडल्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे जम्मू कश्मीर की आवाम या कोई यंग टैलेंट है आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपसे सीखना चाहता है, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ देखो, जितना मेरे पास है मैं बांटूंगा, इनफैक्ट मैं इस फील्ड में तभी आया हूँ कि अगर मैं कहीं जगह पे हूँ और मैंने कुछ गेन किया लाइफ में, मैं सब में बांट सकूँ, क्योंकि आजकल ये चीज़ें कम होती है, लोग बांटते कम हैं, अपने पास अंदर ज़्यादा रखते हैं, हाँ एग्जैक्टली। तो मैं इस फील्ड में तभी आया हूँ कि लोगों का जो मोरल है ना वो चेंज करूँ एंड जम्मू में एक नई बहार आए। तो मैं ये चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी एक्टिंग मॉडलिंग के बारे में छोटा मोटा जो मुझे आता होगा मैं बताऊँगा आपको, बिल्कुल मेरा इंस्टा हैंडलर है Rushanshu_Wadhera एंड फेसबुक में भी Rushanshu_Wadhera, आप सर्च मारोगे Rushanshu_Wadhera तो आपको एक ही मिलेगा और वो ही मेरी प्रोफाइल है। एंड मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाता हूँ, डेली व्लॉग्स मेरे चलते हैं एंड उसका नाम है Rushanshu_Wadhera, वो भी सेम, मतलब तीनों हैंडलर्स मेरे सेम नाम से है। कहीं भी सर्च, आप मेरा गूगल पे सर्च मार लोगे तो आपको इनफैक्ट सब चीज़ें मिल जाएंगी मेरे हैंडलर के हिसाब से। सो गाइज, मेहनत करें, मेहनत ऐसा मत सोचिए कि आज ही वो रंग लगेगी, टाइम लगता है, और अपने जो गोल्स हैं वो क्लियर रखिए, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोची थी कि यार कब मिलेगा, कब होगा, ये होगा, बट मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी इतना टाइम लग जाएगा, बट स्टिल जो वो टाइम था ना, वो जर्नी पीरियड था, मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को, और आज मैं कहीं ना कहीं वही सीख के चीज़ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो आप भी सीखते रहिए, और सबसे बड़ी बात कि अपने घर वालों को तंग मत करो कि मुझे यहाँ करना है। देखो मैं मानता हूँ मेरे घर वाले स्पोर्टिव होंगे, आपके घर वाले स्पोर्टिव नहीं होंगे, क्योंकि आजकल ये चीज़ें भी बोलता है कि हमारे JNK में ना एक थोड़े बोलते हैं ना कि जो बैकवर्ड बच्चे पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स ही सोचते हैं कि यार इसमें क्या पता इसका लगे ना लगे, कहीं ना जाए ना जाए, क्योंकि ये फील्ड जैसी होती है, इसमें कोई आपकी मतलब बोलते हैं ना गारंटेड नहीं होती कि आप आगे जाओगे नहीं जाओगे, ये साइड चीज़ रहती है। इनफैक्ट मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मेरे फादर भी मुझे ये बोलते हैं बेटा इंजीनियरिंग कर ले, उसके बाद तो जो मर्जी कर, क्योंकि एक आपको एजुकेशन होगी तो आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकते हो। एग्जैक्टली, एजुकेशन कंप्लीट करो गाइस, मैं नहीं बोलता एजुकेशन नहीं करो, एजुकेशन कंप्लीट करो, और साथ साथ में जो जो आपका मतलब इंटरेस्ट है उसमें जाओ। हर कोई विराट कोहली नहीं बन पाता, विराट कोहली एक ही है और एक ही रहेगा। सो अपने पैशन को फॉलो कीजिए गाइस, मेरा और कुछ नहीं, हाँ वो भी एक ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती समय के लिए। तो ये थे हमारे साथ Rushanshu_Wadhera जी, जम्मू कश्मीर के एक जाने माने एक्टर हैं, मॉडल हैं, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश करी, आपसे रूबरू भी कराया और इनकी लाइफ के बारे में भी हमने सीखा जाना, और एक बहुत अच्छी बात और एक बहुत अच्छा मैसेज जम्मू कश्मीर के हमारे कलाकारों को उन्होंने दिया कि कहीं ना कहीं अगर हम जम्मू कश्मीर के कलाकार आर्टिस्ट सभी एक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं यूनिटी आएगी, तो कई सारे काम, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़, कई सारे प्लेटफॉर्म जो है वो मिल सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के कलाकार जो कहीं ना कहीं पीछे हैं
आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। फिलहाल ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।